गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम बात करने जा रहे हैं वाच्य के एक और अभ्यास की। वाच्य यानी कि जो आपको क्रिया के रूप से परिचित कराते हैं। हमने काल देख लिया है, काल जो क्रिया के समय को बताते हैं, और यहाँ पर वाच्य में हम ये देखते हैं कि क्रिया का रूप क्या है, उसमें प्रमुख क्या है, किस बात को महत्व दिया जा रहा है। तो हमने यहाँ पर वाच्य की परिभाषा देखी थी कि क्रिया में क्या प्रमुख होता है, कर्ता, कर्म या भाव, उसके अनुसार क्रिया के लिए क्रिया का लिंग और वचन परिवर्तित होता है, यानी क्रिया का रूप आपको स्पष्ट पता चलता है, वो वाच्य कहलाता है। वाच्य के तीन भेद होते हैं, आपने देख लिया था, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर आज हम कर रहे हैं कर्तवाच्य। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको पेज नंबर 124 पर दिया गया है परिभाषा के साथ में। तो आप टेक्स्ट बुक का अभ्यास जरूर कीजिएगा। हम बार बार आपको बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक में परिभाषा और उदाहरण विस्तृत रूप से आपको समझाए गए हैं, तो वो आपको करना है, और साथ में दिए गए इन अभ्यासों की भी चर्चा करते जानी है, इनको लिखना है। पहले हम परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसके वर्णन करते हैं। कर्तवाच्य, कर्तवाच्य में क्या होता है, जिन वाक्यों में क्रिया का कर्ता प्रधान होता है, कर्ता यानी कि काम करने वाला, किसके द्वारा काम हो रहा, अगर वो व्यक्ति प्रधान होता है और उसी के लिंग एवं वचन के अनुसार क्रिया के रूप चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि लड़का, ठीक है, काम करने वाला एक कोई लड़का है, लड़का खेल रहा है, एक है लड़का तो वो खेल रहा है, तो क्रिया का रूप किसके अनुसार जा रहा है, लड़के के अनुसार, तो लड़का करता है उसके अनुसार खेल रहा है। अब मैंने एक से जगह उस लड़के को कितने कर दिए, चार लड़के हमने कर दिए, तीन और दे दिए साथ में, तो वहाँ पर हुए लड़के, तो यहाँ हुआ लड़के, तो यहाँ क्या हो जाएगा, खेल रहे हैं, तो लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, यानी कि कर्ता के वचन के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तित हो रहा है, तो ये कर्तवाच्य हुआ, यही हम कहना चाह रहे हैं। फिर हमने कहा लड़का खेल रहा है, और लड़का की जगह हमने लड़की बनाया, तो वो खेल रही है, हो गया, यानी कि खेलता शब्द, अगर लड़का है तो खेलता है, लड़की है तो खेलती है, लड़के हैं तो खेलते हैं, तो लिंग और वचन क्रिया का बदल रहा है, खेलता, खेलती, खेलते, किसके अनुसार बदल रहा है, लड़का शब्द के अनुसार, लड़का क्या है, कर्ता। तो जब वाक्य में किसी कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तित होता है, क्रिया का लिंग परिवर्तित होने के साथ में उसका वचन परिवर्तित होता है किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, तो वो होता है कर्तवाच्य। कर्तवाच्य की पहचान कि क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार बदल जाए। अगर मैं कहूँ अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापक कर्तवाच्य का उदाहरण है क्योंकि वो पढ़ा रहा है। अगर मैंने अध्यापक की जगह अध्यापिका को भेजा तो वो आएगा अध्यापिका पढ़ा रही है, तो वहाँ पर वचन के लिंग बदल रहा है, तो लिंग के अनुसार क्रिया भी बदल रही है, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। मैंने कहा कि परिवार में क्या कहेंगे, मेहमान, अतिथि आए हैं, यानी कि अतिथि ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर अतिथि के अनुसार आए हैं, वचन में भी परिवर्तन हो रहा है। तो जहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन भी बदल रहा है, लिंग भी बदल रहा है, तो कर्तवाच्य होता है। यही उन्होंने कहने की कोशिश की है कि वाक्यों में जहाँ कर्ता प्रमुख हो और उसी के अनुसार क्रिया के लिंग और वचन चलते हों तो कर्तवाच्य होता है। जैसे कि यहाँ पर हम कर्तवाच्य को, जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया राधिका मैच खेलती है, तो यहाँ पर प्रमुख कौन है, राधिका, तो राधिका है, तो उसके अनुसार वो राधिका स्त्रीलिंग है, तो हमारा क्रिया का भी स्त्रीलिंग होगा, खेलती है, दोनों स्त्रीलिंग हो गए, किसके अनुसार, अगर एक ये स्त्रीलिंग है, कर्ता स्त्रीलिंग है। अब हमने स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग वाला लिया, राहुल अच्छा नाचता है, तो राहुल हो गया पुल्लिंग शब्द, कर्ता हमारा क्या बन गया, पुल्लिंग, तो अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या हो गई, पुल्लिंग, नाचता, नाचती से नाचता, तो यहाँ परिवर्तन हुआ, स्त्रीलिंग के अनुसार स्त्रीलिंग का, पुल्लिंग के अनुसार यहाँ पुल्लिंग का। फिर बच्चे, यहाँ पर हमने वचन बदल दिया, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो खेलने का काम क्या हो गया, रहे हैं, रही हैं, वचन के अनुसार क्रिया का वचन भी बदला, तो यहाँ में राधिका, राहुल और बच्चे तीनों ही कर्ता शब्द हैं, उनके अनुसार खेलती, नाचता, खेल रहे हैं, क्रिया के लिंग और वचन में परिवर्तन हो रहा है, तो ये वाले जो वाच्य हैं वो क्या कहलाएंगे, कर्तवाच्य, जो कि कर्ता पर आधारित है। तो आपको करना क्या है,
परिभाषा लिखनी है, उदाहरण लिखना है, समझना है कि स्त्रीलिंग तो क्रिया भी स्त्रीलिंग आएगी, कर्ता पुल्लिंग है तो वाक्य में क्रिया भी पुल्लिंग होगी, अगर कर्ता में वचन बहुवचन है तो क्रिया में भी बहुवचन होगा। जब इस प्रकार का वाक्य होगा तो कर्तवाच्य होगा। कीजिए अभ्यास, उदाहरण लिखिए, विभिन्न उदाहरण टेक्स्ट में दिए गए उन्हें भी करिए, समझने का कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो लाइव क्लास में डिस्कस कीजिए, लेकिन अभ्यास जरूर कीजिए। टेक केयर, बाय।